Hello, my dear students. A very warm welcome to the Safal batch for CUET. I hope you all are doing fine and completely understanding what all we have covered so far, and all your doubts are cleared. So last class में हमने discuss किया था concept of human rights, जिसमें हमने discuss किया human rights होते क्या हैं, evolution कैसे हुआ, और international treaties और international bodies के बारे में. आज की class में हम discuss करेंगे ह्यूमन राइट्स फ्रॉम दी नेशनल पर्सपेक्टिव, कि हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट्स कैसे गारंटीड हैं, कौन सी प्रोविजंस हैं जो हमें ये सर्टेन ह्यूमन राइट्स गारंटी करती हैं. ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रीएम्बल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है. फिर वेरियस फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट डीपीएसपीस, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. इनका मतलब क्या है और ये इनका पर्पस क्या है, ये भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड लास्टली we will solve certain questions related to all these aspects. Now let us begin with the first topic, that is your preamble. अब जैसे कोई भी हम book पढ़ते हैं, book का preface होता है, जिसमें उसका जो पूरी book है उसका gist होता है या उसकी spirit होती है, कि what all will be discussed, what all will be told to you in this particular book. तो वैसे ही constitution का भी हमारे पास preamble है. Preamble tells us the spirit of the constitution. हमारे preamble में कुछ certain important features lay down किए गए हैं, जो कि मैंने आपके साथ judiciary की class में भी discuss किया. और वो features क्या क्या हैं? That our country will be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. और उसके अलावा हमें और क्या guaranteed है? Justice, liberty, equality and fraternity. तो यहीं से हमारा ethos आता है हमारे fundamental राइट्स का, दैट वी विल बी गिवन कंप्लीट जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एंड उसके साथ साथ देयर शैल बी इक्वालिटी, दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. तो प्रीएम्बल से भी हम देख सकते हैं कि प्रीएम्बल आल्सो टेल्स अस आर अबाउट आर फंडामेंटल राइट्स, और द राइट्स विल बी गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल लेज डाउन दैट Constitution will guarantee or we can say Constitution provides for certain fundamental rights. All right. Then it says to secure to all its citizens basic rights. So ye preamble ki language mein bhi hai ki it will be the responsibility of the government to secure to all its citizens certain basic rights. In basic rights koi hum human rights bhi keh dete hain, jo ki hamare constitution mein kaise mentioned hai, they are mentioned in the form of fundamental rights. ठीक है, तो ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से प्रेजेंट है या हमें कैसे गारंटीड है? इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. सबसे पहले तो कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स से? इट इज पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारी बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक से डील करते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे पार्ट वन सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट थ्री वैसे ही फंडामेंटल राइट्स से डिस्कस करता है, पार्ट फोर टॉक्स अबाउट योर फंडा डीपीएसपीज, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट फोर ए टॉक्स अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज. तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको हम पार्ट्स के नाम से जानते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट से डील करते हैं. सो दैट वे पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट
योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल कौन से हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ये आर्टिकल्स हमारे बताते हैं हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ लेट अस फर्स्ट सी आर्टिकल 12 क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसपे एमसीक्यूज भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमें फंडामेंटल राइट गारंटी कौन करेगा? गारंटीड बाय द स्टेट। ठीक है, अब स्टेट क्या होता है? स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12। सो हेयर स्टेट इज डिफाइंड। तो स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है? स्टेट के डेफिनेशन में हमारे जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तो तीनों आते ही हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा हिस्सा है, जो कि हमारे PSUs हैं, वो भी हमारे स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। तो इस तरीके से एट एनी प्लेस वेयर द स्टेट हैज एनी रोल टू प्ले और एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस और शेयर इन द वर्किंग, उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज अ स्टेट। नाउ आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट, कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें कवर होंगी। ठीक है, नाउ आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 इज येट अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये हमें कहता है दैट द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट विल मेक नो सच लॉज विच आर इन वायलेशन ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। तो नो सच लॉज शुड बी देयर विच वायलेट आर फंडामेंटल राइट्स। कि कोई भी ऐसा लॉ, रूल, रेगुलेशन या कोई भी ऐसी ऑर्डिनेंस नहीं पास की जाएगी जिससे किसी भी तरीके से हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। ये कौन गारंटी करता है? आर्टिकल 13। तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? कि जब भी कोई ऐसा कानून बनेगा जिससे किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट हुआ, तो जुडिशरी जो है उसको रिव्यू करके, उस कानून को रिव्यू करके उसको सेट असाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। नाउ आर्टिकल 32, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स तो गारंटी कर दिए, बट अगर उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कुछ जरिया ही नहीं दिया, तो फिर उन राइट्स को देने का ही क्या मतलब है? फिर तो कोई भी उन राइट्स को वायलेट करेगा और जो पर्सन है उसके पास कोई रेमेडी ही नहीं है। तो उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव आर्टिकल 32 विच टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स और कैन सीक अ रेमेडी ऑन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का वी ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेट वर्ड, दैट इज रिट्स। रिट्स क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन योर जुडिशरी की क्लास में, मैंने आपके साथ 5 तरीके की रिट्स डिस्कस की थी। इसमें पहली थी हैबियस कॉर्पस। जब भी कोई पर्सन, इंडिविजुअल को इलीगली डिटेन किया जाता है, तो वी कैन एक्सरसाइज आर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, कि जो भी पर्सन इलीगली डिटेन है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। दैट वॉज आर फर्स्ट रिट। हैबियस कॉर्पस के बाद वी हैव मैंडमस। मैंडमस का क्या मतलब है? कोर्ट विल डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल और द गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। दैट इज द रिट ऑफ मैंडमस।
कोवरेंटो क्या है, कोवरेंटो की रिट कहती है बाय व्हाट अथॉरिटी, जहां आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन को, उसकी पोस्ट को चैलेंज कर सकते हो कि आप किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा भी दो और रिट्स हैं, दैट इज योर रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्शरारी। अब ये दोनों रिट्स क्या कहती हैं, जब भी कोई एक इन्फीरियर कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके कुछ भी एक्ट परफॉर्म करता है या कोई अनलॉफुल ऑर्डर पास करता है, तो जो हायर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उस इन्फीरियर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देते हैं, तो हम कहते हैं उसे रिट ऑफ सर्शरारी। और जब ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को बीच में रोक देते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। दैट आपको ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस में कंटिन्यू करने की, सो वी स्टॉप यू फ्रॉम पर्स्यूइंग दिस ज्यूरिसडिक्शन और पर्स्यूइंग दिस पर्टिकुलर केस फॉरवर्ड। दैट इज अबाउट योर रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी। सो बेसिकली दे आर डायरेक्शंस फ्रॉम द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स। ऑलराइट, अब इसके बाद नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स का क्या मतलब है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि कल को अगर आपका कोई राइट वायलेट हो जाता है, इन्फ्रिंज हो जाता है, तो आपके पास रेमेडी है कि आप कोर्ट में जाके कुछ रेमेडी क्लेम कर सकते हो, कुछ कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, या गवर्नमेंट से, या सॉरी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जिस भी पर्सन ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपका राइट वायलेट किया है, उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सो दैट वे वी कैन से फंडामेंटल राइट्स आर enforceable, ठीक है। Then they are not absolute, ये बहुत important feature है। Not absolute का क्या मतलब है कि जितने भी आपके वो fundamental rights दिए गए हैं उन पे किसी ना किसी तरीके की restriction लगाई जा सकती है, ठीक है। So इसका मतलब हुआ that restrictions may be imposed on fundamental rights. अब बट ये restrictions reasonable restrictions होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि state government अपनी भी या central government अपनी मर्जी से कुछ भी restrictions लगा रही है, तो those restrictions have to be reasonable. अब वो क्या reasonable restrictions हो सकती हैं, जहां कोई country की security का matter है तो भी आपके fundamental right को restrict किया जा सकता है। जैसे कि कंट्री की सिक्योरिटी के केस में कई बार कर्फ्यूज लगाए जाते हैं जिससे आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अफेक्ट होती है, उससे आपका राइट अफेक्ट होता है, बट वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि अल्टीमेटली वो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको जुडिशरी की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था, सॉरी, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमने अलग अलग फीचर्स को अलग अलग कंट्रीज से बोरो किया है, उसी तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया है, बोरोड फ्रॉम यूएसए, ठीक है, फ्रॉम दिस कंट्री वी बोरोड फंडामेंटल राइट्स। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट था, इथोस था, वहां से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस आइडिया को बोरो किया है या अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दैट इज योर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, विच इज टॉक्ड अबाउट अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं, दैट एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल, that there shall be no discrimination. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 कहता है that there will be equality before law and equal protection of laws.
मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर एक सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, की जो लॉ की प्रोटेक्शन है वो इक्वली सबको दी जाएगी, चाहे कोई प्रधानमंत्री है चाहे कोई एक क्लर्क है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ. दैट इज सेड अंडर आर्टिकल 14 विच सेज, विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ समवंस रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ समवंस कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, देयर सेक्स. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप भेदभाव नहीं करेंगे. बट इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जहां आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कि एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कोई उनके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाते हो. जैसे हमारा आर्टिकल 15 का ही क्लॉज 3 कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो विमेन और चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं. ठीक है, इन जनरल क्या है कि नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड और देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन दी मैरिज बिटवीन टू पीपल. बट वी हैव प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. वो क्यों बनाया गया है? उसमें एक सर्टन एज डिफाइन की गई है कि अगर लड़का 21 साल से ऊपर है तो ही वो शादी कर सकता है, और लड़की अगर 18 साल से ऊपर है तो वो शादी कर सकती है. अब ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? आर्बिट्रेरी है, इक्वल नहीं है. तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? सो एज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज. इसी तरीके से वी हैव, वी कैन, द पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर वुमेन ऑल्सो. जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, वो उसमें क्या है, जो हमारी वर्किंग वुमेन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसी दे विल बी गिवन अर्न लीव्स. तो वो बेनिफिट क्या है? सम पीपल विल से इट इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन, बट whenever such provisions are made for the benefit of someone, they are allowed and they are not considered to be against your right to equality. ठीक है, अब now let's talk about article 16. article 16 says equality in matters of public employment. जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स होंगे, सरकारी नौकरी के जो भी मैटर्स होंगे, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. अब क्या वहां पर भी कंप्लीट इक्वालिटी है? नहीं. वहां पर भी हम देखते हैं रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, चाहे वो एडमिशन लेने की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेने की बात हो, हर जगह वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन. सो दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि थ्रू दैट रिजर्वेशन यू आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो दैट वे आर्टिकल 16 इन जनरल प्रोहिबिट्स एनी सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट फॉर योर रिजर्वेशन. अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? Article 17 talks about prohibition of forced labor या बेगार या child labor. अब इसका क्या मतलब है कि किसी को भी force नहीं किया जाएगा काम करने के लिए as a laborer. ठीक है, इफ समवन वांट्स टू वर्क आउट ऑफ देयर विल, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, देन इट्स फाइन. आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते. देन बेगार, कि आप किसी से काम तो करवा रहे हो बट इन रिटर्न उसको जो वेजेस मिलने चाहिए आप वो उसको दे ही नहीं रहे हो, तो वो क्या है? बेगार, कि फ्री में काम करवा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. एंड वट एल्स इज प्रोहिबिटेड? योर चाइल्ड मैरिज, सॉरी चाइल्ड लेबर. इट इज सेइंग चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड.
दैट इज दैट व्हाट इट इज व्हाट इट सेज कि कोई भी अगर बच्चा 14 साल से छोटा है तो उसको कहीं पर भी किसी हैजार्डस फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता. तो दैट इज गारंटीड बाय योर आर्टिकल 17. नाउ व्हाट डज आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट. आर्टिकल 18 सेज दैट देयर शैल बी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो ये कई लोग राजा महाराजा वाला टाइटल लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, इट इज प्रोहिबिटेड. तो आर्टिकल 18 कहता है दैट देयर शैल बी कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन यूजिंग ऑफ सच टाइटल्स. हाउएवर, जो एकेडमिक टाइटल्स हैं, जैसे इफ समबडी इज अ डॉक्टर, इफ दे पुट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, दैट इज ऑल्सो अ टाइटल दैट इज परमिटेड. उसके अलावा किसी को कोई अवार्ड मिलता है, जैसे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी टाइटल्स हैं, ये परमिसिबल है. इसमें एक और चीज है कि आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करोगे विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट ओवर हियर. तो दैट वे इट टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. टाइटल्स को एबॉलिश करने का पर्पस क्या था, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये महाराजा है या ये राजा है और ये आम जनता है. उन टाइटल्स को खत्म करने के लिए वी हैव आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट्स ऑल अबाउट योर राइट टू इक्वालिटी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में क्या है, सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम्स. अब मैं जो भी आपको ये राइट्स बता रही हूँ वो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि इनमें से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आर्टिकल 19 में सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को, बिलीफ्स को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. दैट इज द फंडामेंटल राइट गारंटीड टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके अलावा और क्या है आर्टिकल 19 में, इट्स गारंटीज टू यू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, असेंबलीज, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, असेंबलीज बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. आप ए स्टेट में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, आप पंजाब में जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, आप गोवा जा सकते हैं, कहीं पर भी यू कैन, यू हैव द फ्रीडम टू मूव, एंड अलोंग विद दिस फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर. आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है. देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन. अब आप अपनी मर्जी का कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आप पे वो भी क्या है, आपका फंडामेंटल राइट. अब इन पर भी क्या है, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इन पे भी फ्रीडम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं. जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करें, तो आप ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे आप कंट्री की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं या कंट्री की इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड असेंबली, अगर आप एसोसिएशन बना रहे हैं कंट्री के खिलाफ कुछ एक्शन करने के लिए, तो वो भी क्या है, इट इज नॉट अलाउड. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड टू रिजाइड. अब कई बार किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में मान लीजिए अनरेस्ट हो जाता है, वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है, तो वहां पर हो सकता है कि यू मे नॉट बी अलाउड टू गो देयर. तो वो क्या है, आपकी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन, बट वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. अब यहां पर भी क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कि आप इमोरल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, इमोरल बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कि यू कैन नॉट इंडल्ज इन ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन. ये सब क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. यू कैन नॉट इंडल्ज इन इमोरल एक्टिविटीज, ठीक है. अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 सेज इट टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन. राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन जिसपे कुछ एलिगेशन लगी है, पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. ये क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज,
इसका मतलब है कि जो भी हमारे लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होंगे, पास्ट में जाके अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को मैंने कोई एक पर्टिकुलर एक्ट किया कि मैंने ए का पेन उठा के मैं अपने घर ले गई, उस दिन इस पर्टिकुलर एक्ट की कोई सजा नहीं थी। अब 1 जनवरी 2010 को ऐसे एक्ट को हमारे पार्लियामेंट ने कहा इट विल अमाउंट टू थेफ्ट और इसकी सजा होगी कम से कम 2 साल और आपको 1 लाख रुपए का फाइन भी भरना पड़ेगा। अब क्या मैं ये जो सजा है 10 साल पहले जो एक एक्ट हुआ था उस पर अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं। तो जो भी हमारे ऐसे लॉज हैं हम उनको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पास्ट में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी हमारे कानून हैं वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं मतलब फ्यूचर में अप्लाई होते हैं और पास्ट में हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते। इसका भी एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो अक्यूज्ड पर्सन के बेनिफिट में है तो हम उसको वो बेनिफिट दे सकते हैं। नाउ इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी का क्या मतलब है? किसी का ट्रायल हुआ, या तो उसको बरी कर दिया गया या उसको जेल में भेज दिया गया, उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो एक बार जब एक केस सुन लिया जाता है उस पर कोई फैसला आ जाता है तो वो फैसला कंप्लीट होता है, वो डिसीजन बाइंडिंग होता है। आप बार बार उस पर्सन के अगेंस्ट सेम फैक्ट्स पे एक्शन नहीं ले सकते। वो क्या है? उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एग्नी ऑफ ट्रायल, कि वो बार बार उस ट्रायल के प्रोसेस से गुजरे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी दैट नो वन विल बी फोर्स्ड टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फैक्ट्स। अब इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या है? That no one will be compelled to be a witness against themselves. कोई किसी भी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, तो ये भी कहां गारंटीड है? हमारे आर्टिकल 20 में। Now let's talk about आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 talks about right to life and liberty. इसके अंदर इसका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही वाइड है। राइट टू लाइफ में आपकी सभी चीजें आ जाती हैं, राइट टू मूवमेंट, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू रिजाइड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपका राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, आपको किससे शादी करनी है वो आपकी चॉइस है, वो भी किस में आ जाता है? राइट टू लाइफ में। आपको करियर कौन सा चूज करना है वो भी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, वो भी कहां आ जाता है? राइट टू लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस। अब अरेस्टेड पर्संस के क्या राइट्स हैं? सो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग देर आर सर्टेन राइट्स विच आर गारंटीड टू द अरेस्टेड पर्संस। और वो राइट्स क्या हैं? सबसे पहले, व्हेन एवर द पुलिस विल अरेस्ट समवन, द पुलिस विल हैव टू टेल द अदर पर्सन वट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि किन रीजंस पे उसको अरेस्ट कर रहे हैं, एंड वट आर द अदर थिंग्स दैट आर डिस्क्राइब, दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल और द पुलिस ऑफिसर शुड वियर अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, और उसका नेम का बैज भी उसने पहना हुआ होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द पर्सन वेन एवर ही इज अरेस्टेड ही शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर अरेस्ट। कि मान लीजिए अभी मैं कल 1 बजे मेरी अरेस्ट हुई है तो कल के 1 बजे तक मुझे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए, और उसके अलावा मुझे लीगल हेल्प भी मिलनी चाहिए, मतलब कि जो अगर मैं एडवोकेट को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, उसकी असिस्टेंस लेना चाहती हूँ, तो वो भी मुझे अलाउ करना चाहिए। तो दीज आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट्स में ये इंश्योर किया है कि अरेस्टेड पर्संस को ये राइट्स जरूर मिलने चाहिए। ठीक है, विच आर गारंटीड टू अस बाय द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दिस। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन में भी यही है दैट नो वन विल बी कंपेल्ड टू डू
फोर्सफुल लेबर, ठीक है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन किसी भी फॉर्म में परमिसिबल नहीं है, एंड इफ एनीवन इंडल्जेस इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो दे मे बी पनिश्ड फॉर द सेम, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट. और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है, दैट आई हैव द रिलीजन, आई हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन. मैं किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकती हूँ और किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकती हूँ. अब इनका क्या मतलब है, प्रैक्टिस, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर जा सकती हूँ, ठीक है, और प्रोफेस मतलब कि उसका प्रचार भी कर सकती हूँ. प्रोपगेट मीन मतलब उसका प्रचार भी कर सकती हूँ, प्रोफेस मतलब उसको अपना सकती हूँ, ठीक है. तो मेरी मर्जी है एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन सिटीजन, वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ. तो आर्टिकल 25 भी क्या कहता है कि हर एक इंडियन सिटीजन के पास चॉइस है कि वो अपनी मर्जी के रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें और उसे प्रोपगेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का क्या मतलब है, जो भी हमारी कल्चरल माइनॉरिटी है, उनको, उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स. कैसे, मान लीजिए कहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन में कोई शेड्यूल ट्राइब रहती है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना कि नो इंडिविजुअल फ्रॉम द आउटसाइड विल बी अलाउड टू गो इन दैट पर्टिकुलर एरिया और यू कैन गो इन टू दैट एरिया विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी किसकी जिम्मेवारी है, हमारी गवर्नमेंट की. या अगर कोई कल्चरली माइनॉरिटी में है कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उनको और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, कि उनके कल्चर के लोग ही वहां पर आकर पढ़ सकते हैं. तो ये चीजें कहाँ प्रोवाइडेड है, हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में. नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स वी हैव इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35. अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दो आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 32 जहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आर्टिकल 226 के अंडर आप हाई कोर्ट जा सकते हो. अगर आपका कभी भी कोई भी राइट वॉयलेट होता है, हमने अभी जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े उनमें से कोई भी राइट आपका किसी भी तरीके से वॉयलेट होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226. ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs. अब इनका क्या मतलब है, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशनड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51. अब इनका क्या मतलब है, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी बाय मेकिंग लॉज. सो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर टू बी एनश्योर्ड by the government, by making laws on them. अब वो कैसे होगा, जैसे एक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. अब क्योंकि हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है जहां पर सभी लोगों के इक्वल हक हैं, इक्वल बेनिफिट सबको दिए जाते हैं, तो वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए. जो प्रिंसिपल्स हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में अंडर आर्टिकल 36 to 51. अब उन प्रिंसिपल्स को हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हों, By making laws on those topics. जैसे कि एक हमारा directive principle है equal pay for equal work.
अगर कोई भी दो इंडिविजुअल्स इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको पे भी इक्वल मिलना चाहिए. अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसमें. जस्ट बिकॉज देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल, उनका पे पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इफ देयर नेचर ऑफ वर्क इज द सेम. ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर करने के लिए क्या लॉ पास किया गया? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. ठीक है, इसके अलावा और क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? एक और एग्जांपल मैं देती हूं आपको मैटरनिटी बेनिफिट का. तो इसको भी इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. उसके अलावा और क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? दैट वी शुड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ पास कर दिया? एनवायरमेंट एक्ट. कि कोई भी अगर हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है तो उसको उसके लिए सजा दी जा सकती है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें चाहिए हमारी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए. और वो वेलफेयर स्टेट का कैसे बना रही है हमारी गवर्नमेंट? इन प्रिंसिपल्स पर अलग अलग तरीके के लॉज बना के. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. अब ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ राइट्स मिले. राइट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं. अधिकार है, अगर हमें कुछ मिला तो उसके साथ हमारी कुछ जिम्मेवारी भी होंगी. क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने हक या अपने अधिकार एक्सरसाइज करते हुए किसी और का हक मार रहे हैं तो वो भी गलत है. तो जब भी किसी को कोई अधिकार मिलता है उसके साथ उसको कुछ जिम्मेदारी भी मिलती है. तो विद एवरी राइट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी. सो व्हाट डू वी से? विद एवरी राइट there is a corresponding duty. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने rights exercise करते रहें और अपनी duty को perform ना करें. आपको दोनों चीजों में एक perfect balance maintain करना पड़ता है. Now fundamental duties का concept part 4A of the constitution में mentioned है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर या पार्ट था ही नहीं. इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. इस अमेंडमेंट से पार्ट 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिससे कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? आर्टिकल 51A. ठीक है, अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए? तो दिस वाज रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमिटी ने कहा था कि वी नीड फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन which were added by 42nd amendment under part 4A under article 51A. अब कितनी हमारे पास fundamental duties हैं आज के दिन? We have 11 fundamental duties. ठीक है, now let us have a look on some of the fundamental duties. First one being upholding sovereignty, integrity and unity of India. आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी कंट्री के इंटीग्रिटी, यूनिटी और उसकी सोवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे. आप कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे आप अपनी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ योर ड्यूटीज. देन रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर ड्यूटीज. नेशनल फ्लैग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज ऑल्सो वन अमंगस्ट योर ड्यूटीज. Also, another important duty is protection of the environment, protection of the natural heritage, जो भी हमारी rich history है, culture है, उसको protect करना. ठीक है, और promoting the feeling of brotherhood और the feeling of fraternity, वो भी हमारी क्या है? It is one of our fundamental duties. So that is all about your concept of fundamental duties.
अब जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उनको एनफोर्स करने के लिए, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड योर फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल. ठीक है, सो दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी. ठीक है, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया विच इज गारंटीड टू अस बाय वे ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स. उसका कुछ मेंशन हमारे प्रीएम्बल में भी है. उसके साथ ही हमने और क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारी कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनने में हेल्प करती हैं, और उसके अलावा फिर हमने जाना कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ गारंटीड हैं, कहाँ प्रोवाइडेड हैं, और वो कब ऐड हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू अस राइट टू इक्वालिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है? 14, 15, 16, 17. सो आर्टिकल 14 इज द आर्टिकल विच गारंटीज टू अस राइट टू इक्वालिटी. अब आर्टिकल 15 क्या बताता है? आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा. आर्टिकल 16 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. और आर्टिकल 17 क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर दिया जाएगा. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स. इनमें से कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम अनटचेबिलिटी, यस आर्टिकल 17. ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19. सो दैट वे ऑल ऑफ द अबव आर फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री. जो जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इट केम फ्रॉम यूएसए. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यूके कॉन्स्टिट्यूशन, नो. यूएसए, नो. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यस. स्वीडिश, नो. सो इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड. आयरलैंड से हमने लिया है हमारा डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी. Now let's move further to the next question. Which of the following is said to be heart and soul of constitution? इनमें से कौन हमारी constitution के heart and soul माने जाते हैं? Fundamental rights? No. Duties? No. Directive principles? No. Right to constitutional remedies? Yes. अब right to constitutional remedies हमारी क्या है? Writs. अब इनको हम heart and soul क्यों कहेंगे? इनको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मानते हैं कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उनको गारंटी करने का, प्रोटेक्ट करने का कोई जरिया ही नहीं होगा तो इट विल बी इन वॉयलेशन ऑफ आर राइट्स. सो दैट वे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज व्हाट इट इज, व्हाट इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, नो. राइट फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, नो. Right to life and liberty? Yes. So the correct answer for this is option C. Now with this, let's come on to the next question. Which rights are guaranteed to us by Article 22? Article 22 kya tha? Rights of arrested persons. Jo arrested persons ke paas rights hain. Kaun kaun se rights hain arrested person ke paas? Grounds of arrest to be stated before arrest. कि जब भी किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाएगा उसको हमेशा अरेस्ट के टाइम उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्लियरली बताए जाएंगे. देन राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एन एडवोकेट, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन विच इज गारंटीड टू हिम बाय आर्टिकल 22 दैट वेन एवर दैट पर्सन इज अरेस्टेड उसको हक है कि वो एक एडवोकेट अपने लिए हायर करे जो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा. Then to be presented before the magistrate within 24 hours of arrest. ये बहुत ही important right है arrested person का, कि जब भी एक individual को arrest किया जाता है
within 24 hours of the arrest, the person has to be presented before the nearest magistrate. कि जो भी उसके आसपास nearest magistrate available हैं, उसके पास उन्हें present किया जाएगा. These are the very important rights which are guaranteed to the arrested person by Article 22. All right. So that way, the answer is option D. All of the above. ठीक है. Now let's move further. Fundamental duties have been borrowed from which constitution? Fundamental duties, Ukrainian? No. Russian? Yes. No. No. So fundamental duties का concept कहाँ से आया है? Russia से. DPSPs का Irish, that is Ireland से. Fundamental rights का USA से. ठीक है. How many fundamental rights are guaranteed to us by constitution? Option D. Option D मतलब 6. 6 fundamental rights guaranteed हैं हमें. पहले 7 थे, but right to property. जो पहले एक fundamental right था, अब वो fundamental right नहीं है. अब ये सिर्फ एक क्या है, हमारा एक legal right. ठीक है. It is not guaranteed to us as a fundamental right, but it is just a constitutional right. ऐसा नहीं है इसको constitution से completely remove कर दिया गया हो, but इसे fundamental right से हटा के एक simple legal right बना दिया गया. तो at present we have 6 fundamental rights. Now next question we have is, who among the following is the protector of our fundamental rights? Who protects our fundamental rights? Supreme Court, Parliament, State Government, all of the above. It is the A option, Supreme Court. ठीक है. So next question we have, which part of the Constitution talks about fundamental rights? Fundamental rights का concept कौन से part में discussed है? Part 3, 4, 5, 6. It is option A. Part 3 में ये concept discussed है. ठीक है. So with this we are done with the concept of human rights in India. Fundamental rights का जो topic है हमने cover कर लिया. Next class will be human rights का part 3, जिसमें हम complaint mechanisms के बारे में जानेंगे. ठीक है. So next class will be the last class related to the concept of human rights. उसके बाद हम next topic पे चलेंगे. So that's all for today's class. आज की class में हमने जाना fundamental rights के बारे में, constitution में क्या provisions हैं, different kinds of fundamental rights. Apart from that, fundamental duties के बारे में भी we discussed, and also your DPSPs और इनके sources क्या क्या हैं. Okay, so that's all for today's class. I hope you all have understood everything I have explained to you. If any doubts, ask me in the comment section. I'll be answering to your doubts. And in the upcoming class, be prepared for the concept of complaint mechanisms in India related to your human rights. So that's all for today's class. Thank you, everyone. I hope you all have a good day.